applied to a bill of rupees 10,000. The difference between discount of 32% and two successive discount of 20% and 12%. सबसे पहले ये जो सक्सेसिव है इसको लिखेंगे तो कितना कितना है, 20% का सक्सेसिव यानी कि 80, और नेक्स्ट क्या है मेरा 12% यानी कि 88. 100 में माइनस किया दोनों को बाय 100, सक्सेसिव निकाल रहा है. इसको आप ए प्लस बी वो वाला फार्मूला लगा के भी सक्सेसिव निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा करने का तरीका कुछ और है. यहाँ से 0 0 कैंसिल कीजिए, एक ही बार में ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिए, 704 आएगा. एक डेसिमल के बाद पॉइंट, यह भी पॉइंट. अब इसका एक्चुअल जो सक्सेसिव है वो ये नहीं है, इसमें 100 माइनस करना है. सो 100 में अगर मैं 100 में अगर मैं ये माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा. सो दिस माइनस 100 माइनस दिस, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 29.6. ये मेरा इसका आंसर हुआ. तो पहले तो मेरा 32 डिस्काउंट है ही, ये और इसका सक्सेसिव मेरा जो आया निकल गया 29.6. इसका डिफरेंस मेरा क्या है, ये बोला है डिफरेंस बोला है ना, हाँ डिफरेंस. तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.4. इसका डिफरेंस क्या है मेरा, 10,000 10, 1 2 3. ये भी तो परसेंटेज है, 2 0. डेसिमल को रिमूव कर दिया, 0 ऐड कर देंगे, 3 0 से 3 0 पूरा कैंसिल, आंसर आ गया 240. इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी है. ओके, थैंक यू.